गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3-4 किए थे। आज हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू क्रिएट कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलम्स तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे न्यूज पेपर देखते हैं, न्यूज पेपर में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स दिए जाते हैं, अलग अलग न्यूज है, अलग अलग कॉलम्स में दिया गया रहता है। जैसे न्यूज पेपर मानिए ये न्यूज पेपर है, यहाँ पे कोई और न्यूज होगा, फिर यहाँ पे कोई और न्यूज होगा, फिर यहाँ देखिए कोई और न्यूज होगा, फिर यहाँ कोई और न्यूज होगा, ये सब इस तरह देखिए ये सब कॉलम करके बनाए गए रहते हैं, बहुत सारे न्यूज रहते हैं। तो क्या किया जाता है कि कैसे इसको हम लोग कॉलम्स क्रिएट करेंगे कोई डॉक्यूमेंट में। तो टू क्रिएट कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट वी विल फॉलो दीज स्टेप्स। कॉलम्स क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स आपके पेज नंबर 32 पे दिया गया हुआ है। कितने पे? पेज 32 पे चार स्टेप करके दिया गया हुआ है नीचे में। जैसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द पैराग्राफ टू बी फॉर्मेटेड इन कॉलम्स। जिस भी कॉलम को क्या करना है, फॉर्मेट करना है अलग, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज लेआउट टैब पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, पेज लेआउट टैब पे जाकर के थर्ड स्टेप कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप ग्रुप में, पेज सेटअप ग्रुप में जाकर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। और उसके अंदर चौथा स्टेप जो होगा और आखिरी, उसमें क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स चुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 3 या लेफ्ट या राइट जो भी करना होगा वो हम लोग वहां से चुनेंगे। ऐसे डिफॉल्ट मतलब पहले से कंप्यूटर क्या सेट रहता है, एक ही कॉलम सेट रहता है, वन कॉलम, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल क्या क्या करते हैं। जैसे देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ हम लोग बनाए, कोई टॉपिक का हेडिंग बनाया, हेडिंग बनाया उसमें फॉर्मेटिंग की है, चाहते हैं कि उस फॉर्मेटिंग को हम लोग और कहीं भी यूज करें डॉक्यूमेंट में, तब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर क्या है, यूज होता है, तो फॉर्मेट पेंटर इज यूज टू यूज द सेम फॉर्मेट, उसी तरह का फॉर्मेट को यूज किया जाता है एट डिफरेंट लोकेशंस। और लोकेशंस पे क्या किया जाता है, मतलब उस डॉक्यूमेंट में उस पेज में और लोकेशंस पे क्या किया जाता है, उसी फॉर्मेट का हम लोग को इस्तेमाल करना रहता है, इसलिए हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लिख लीजिएगा चारों स्टेप, कौन कौन सा स्टेप है पेज 32 से जाकर के। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में है ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।